नमस्कार मु दीपक सेनापति आज शुणा एक सुंदर पौराणिक कहानी कृष्ण सुदामा परेषण परशुराम बेहरा। गोटे दरिद्र ब्राह्मण परिवार रे सुदामार जन्म। गोटे छोटिया कुड़िया तांकर स्त्री आउ तांकर पिलांक सहित सुदामा रहुथिले। तांकर रोजगार थिला बहुत कम। बहुत दुख कष्ट से जीवन बीतौथिले। अनेक समय रे सुदामा आउ तांकर स्त्री वसुंधरा को उपास रहिबाकु पड़ुथिला। एमिति कि तांकर पिलामानंकु से मुठाए भलकरी खाइबाकु देइ पारुनथिले। एणु तांकर स्त्री निजर दारिद्रता पई बहुत मन कष्ट करुथिले। किंतु सुदामा तांकर दारिद्रपण पई आदौ दुख करुनथिले। से केवल कहुथिले आम सहित भगवान अछन्ति, से आमर जत्न निश्चय नेबे। अनेक समय रे सुदामा तांकर पिलादिनर आश्रम जीवन कथा मन पकई चिंतामग्न हो जाऊथिले। आउ सेतेबेले तांकर प्रिय बंधु श्रीकृष्ण कथा भारी मन पड़ुथिला। समय समय रे से तांकर स्त्री आउ पिलामानंकु पाखरे बसई कहंती, वर्तमान द्वारिकार राजा श्रीकृष्ण होउछंती मोर प्रिय बंधु। आमे जेतेबेले छोटो हेथिलु गुरु संदीपनी आश्रम सांग पाठ पढ़ु मुताको गोविंद बोली डाके। आमे दुहें एत्ते सांग थिलु जे केही कहारी को दिने न देखिले रही पारुनथिलु। किंतु से आज मो पाखरे नहांती सत, हेले मो मन भितरे सबू बेले अछंती। ए कथा सुनी सुदामांकर स्त्री कहंती, जदि श्रीकृष्ण तमर बाल्य बंधु ताहले तमे तांकु देखा करुन काहेकि, से तुमको देखिले तो बहुत खुशी हेबे। ए कथा सुनी सुदामा कहिले, अरे से तो वर्तमान राजा, मु निश्चित हो पारुनी जे से आउ मते मने रखी थिबो त। किंतु सुदामार स्त्री कहंती, मु निश्चित जे से तुमको केबे भी भूली नथिबे। तमे जेतेबेले तांक पाखर जे पहुंचिबो से निश्चय तुमको समुचित व्यवहार करिबे, आदर रे पाछुटी नेबे। जदि तांकर दया हुए आमर एई जो अभाव कषण आउ रहिबोनी। मो कथा मानी थरे तमे तांक पाखकु जाऊन, तांकु आमर अभाव कषण कथा कहिबो, निश्चय से किसी गोटे व्यवस्था करिबे। श्रीकृष्ण चाहिले आमर ये अभाव कषण दूरेइ जिवो। शेषक सुदामा निज स्त्री कथार राजी हेले। श्रीकृष्ण को देखा करिबा पई द्वारिका जिबाकु मनस्थ कले। तापर से तांग स्त्री को कहिले, मु श्रीकृष्ण को पाखकु द्वारिका जाउची, एते बड़ राजांक पाखकु जीवि जेतेबेले सांगर तो किछि नबाकु हबो। तांकु दबा भली जिनिस आम पाखरे कौन अछि जे आमे नेकि जिबा। सुदामांक स्त्री कहिले, हाँ हाँ ठीक कथा, बंधुंक पाखकु गले खाली हाथरे केहि जानतिनि, किछि ना किछि तो नबा पई हबो, एणु मु तार व्यवस्था करुछि। एतिकि कहि सुदामांक स्त्री घर भितरकु गले। बहुत खोजाखोजी करिबा परे मुठाए खुद पाइले। सेइ खुदकु अति जत्नरे भाजी सफा कोनारे पुड़िया करि बांधिदेले। तापर से तक नहीं सुदामांकु देई कहिले, एई तक नियो तम बंधुंकु दब। सुदामा से तक नहीं द्वारिका अभिमुखे यात्रा कले। पादरे चली चली जाउथांती, बहुत दुख कष्टरे कंटा झटा माड़ी आगकु चली थांती। निज पादकु जेतेबेले कष्ट हुए से गोविंद गोविंद बोली कहंती। एमिति भावरे बहुत कष्टरे से जाई द्वारिका नगरी रे पहुंचिले। जेतेबेले से कृष्णंकर प्रसाद निकटरे पहुंचिले द्वारपाल माने तांकु अटकैले, भितरकु जिबाकु देलेनी। सेमाने पचारिले, किए तमे, काहेकि एठिकि आसछ, तमर एठि कोन काम अछि। सुदामा कहिले, मु होउछि गरीब सुदामा, मु मोर बाल्य बंधु गोविंदंकु देखा करिबाकु चाहुछि। ए कथा शुणि द्वारपाल माने टिके हसिले, हौ ठीक अछि, तमे एठि अपेक्षा कर, आमे जेतेबेले कहिबु तुमे भितरकु जिबो। ठीक एतिकि बेले श्रीकृष्ण प्रसाद मध्यरु बाहरकु बाहरि आसिले। आउ सुदामाकु देखु देखु तांको आड़कु धाइबाकु लागिले। आउ पाटी करी कहुथांती, सखा मोर प्रिय सखा सुदामा, तमे आसीछ, अनेक दिन पर तुमको देखि मु आज बहुत खुशी, आस आस सखा। एतिकि कहु कहु भगवान श्रीकृष्ण सुदामाकु कुंढेइ पकेइले। आउ परम आदर रे पाछोटी नेले तांकर अंतपुरकु। द्वारपाल आउ रखी माने ए कथा देखि आश्चर्य होउथांती। जणे भिकारी परि दिसुथिबा ब्राह्मण को महाराज एते आदर सम्मान करी पाछोटी नै गले। श्रीकृष्ण सुदामांकु नै दिव्य आसन रे बसेइले। एतिकि बेले सुदामांकर उपस्थिति खबर पाई कृष्णंकर पाटमहिषी रुक्मिणी मध्य आसी सेठारे पहुँचिले। श्रीकृष्ण आउ रुक्मिणी दुई जण जाक मिसी
परम आदर रे सुदामांकर पाद धोईदेले आउ श्रीकृष्ण तांको निजर झिन्न उत्तरीय रे सुदामांकर पाद को पोछीदेले। एहापर दि बंधु मिशी परस्परर भलमंद खबर बुझिले आउ पिला दिनर कथा मने पकई भारी खुशी हेले। हठात एति कि बेले कृष्णकर कोन मने पड़गला के जानी से कहिले आच्छा सखा तमे तो आसिल हेले आम संगातुणी को साथी आनलनी। ए कथा शुणी सुदामा नीरव रहिले। तापर कृष्ण कहिले हौ हेला हेला तांकु न आनी पाल ना से निश्चय मोपाई किछि ना किछि पठैथिबे कोन पठैछन्ती मते आगे दियो। ए सब शुणी सुदामा खूब लज्जा अनुभव कले आउ मने मने भाविले मो सख तो द्वारिकार राजा हेले राजा को मु आनीथिबा खुद भजा केमिति खुएबी केमिति तांको हाथ को मु ए खुद भजा देबी। एही कथा चिंता करी सुदामा सरमरे बुड़ी जाउथांती आउ तळकु मुह करी बसुथांती। एतिकि बेले कृष्ण कहिले कौन एमिति चुप रहिछ सखा देखैलो देखैलो तम झुला कौन अछि आ भितरे। मु जानिछि संगातुणी निश्चित मोपाई भल जिनिष कौन देइथिबे तमे दियो मु नै जाउछि। एतिकि कहि सुदामांक कांथरु तांको झुला को नै निज कोळ उपरे रखिले आउ बहुत खुशी मनरे खोलिबाकु लागिले। सुदामा केवल लज्जारे बारण करुथांती ना ना ता भीतर किछि नाही तमे खोलनी। श्रीकृष्ण हसी हसी से झूला भीतर गोटे कनापुड़िया बाहर करी आनले आउ ताकु खोली दे कहिले खुद भजा अरे बाह ये तो मोर सबुठु प्रिय मु जानिछि मो मन चाहूथिबा जिनिस मो संगातुणी निश्चय देथिबे बहुत दिन हला मु खुद भजा खाइनी जा हौ एते दिन परे मो संगातुणी मो पई खुद भजा पठैछन्ती। वास्तव में श्रीकृष्ण केवल खुद भजा देखुन थिले आउ से खुद भजा भितर तांको सखा आउ संगातुणीकर स्नेह प्रेम भक्ति आउ श्रद्धा को भी अनुभव करुथिले। एहा परे श्रीकृष्ण बहुत आदर रे से खुद भजार मुठाई नहीं पाटी पकेले आउ परम आनंद रे खाइबाकु लागिले। कृष्ण अनुभव करुथिले ए खुद भजार लुचि रहिथिबा तांको सखा आउ संगातुणीकर स्नेह आदर ए खुद भजार स्वाद को बहुगुणित करदेसी। एहापर कृष्ण आउ मुठाए खुद भजा नहीं खाइबा जाऊँच तो रुक्मिणी पाखक धाई आसी से खुद भजा तक छड़े ने आउ कहले थाउ थाउ तमें सबू खाईद ना कौन एत स्वार्थपर हेले चलो केमी आमे माने तो पुणी अच्छु। एक देखी सुदामा हसी पकईले एति बेले रुक्मिणी मने मने भावुता भगवान श्रीकृष्ण जो मुठाक खुद भजा खाई सेतिक सखा सुख समृद्धि पाई जथेष्ट आउ मुठाक खुद भजा खाई सारा संसार धन संपत्ति सबू सुदामा को समर्पण कर दे था मु समृद्धि देवी भाव सारा पृथ्वी धन संपत्ति को समान भाव बांटा मोर धर्म। श्रीकृष्ण अनुरोध में सुदामा द्वारिकार आउ केत रे शेष को घर को फेरबार समय आसला। सुदामा को विदाय देला बेलू श्रीकृष्ण कहले हे सखा एबे कुह मु तमपाई कौन करिपारे। सुदामा हाथ जोड़ी पकेले आउ कहिले हे गोविंद मु तमको छाड़ी जाऊची याठारु अधिक दुख आउ मोपाई किछि नाही केवल एतिकि चाहूची मो हृदय तमे सबू बेले रही थाओ। ए कथा शुणि श्रीकृष्ण टिके हसी देले आउ परम आदर रे सुदामा को आलिंगन कले। तापर सुदामा घर को लेउटी आसिले घरे आसी पहुंचिबा क्षणी तांको स्त्री आसी तांको पाछोटी नेले। सुदामा तांको स्त्री को द्वारिकार घटिथिबा समस्त घटना कहिले केमिति श्रम स्वीकार करी सेठारे पहुंचिले भगवान श्रीकृष्ण केमिति तांको आदर रे पाछोटी नेले। श्रीकृष्ण आउ तांकर पाट महिषी केमिति तांकर पाद धोईदेले आउ तमे देइथिबा खुद भजा केते आग्रहर सहित दुहें खाइले सेई समस्त कथा सुदामा बहुत खुशी रे भाव विभळ रे वर्णना कले। एहा परे सुदामांक स्त्री पचारिले तमे आसिला बेले तम बंधु तुमको कौन देले। सुदामा कहिले सी तो निज को मते दे आउ मते कौन दे था। एक शुणि सुदामांक स्त्री हाथ जोड़ी कहिले जदि गोविंद आम सहित अच्छा आमर आउबा दुख कौन। यहापर घटला एक आश्चर्यजनक घटना। परदिन सका सुदामा आउ तांक परिवार आखि खोलिला बेलकु देखिबा को पाइले तांकर भंगा कुडिया एक दिव्य सुंदर महल रे परिणत हो जाइछि घर द्वार धनधान्य पूर्ण हो जाइछि आउ समस्ते नूतन पाट पोशाक परिधान करिछन्ति।
आउ से दिन ठारु सुदामांकर समस्त दुख दुर्दशा दूर होगला। सुदामा तांकर प्रिय सखा भगवान श्रीकृष्ण को सर्वदा निज अंतर भितरे अनुभव करुथिले। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणा एक पौराणिक कहानी राजा महाबली ओ बामन अवतार, परिवेषण परशुराम बेहरा। सत्यजुगर कथा, सेतेबेले पाताल लोक थिला असुर मानंकर राज्य, सेठारे राजुति करुथिले राजा महाबली। से थिले खूब शक्तिशाली, धार्मिक ओ न्यायपरायण। से तांकर सुशासन बलरे समग्र पाताल लोकरे खूब प्रख्यात थिले। क्रमे से तांकर बाहुबलरे पृथ्वी आउ स्वर्गलोक को मध्य निज आयत को आनिथिले। से पृथ्वी उपरे विजय हासिल करिबा परे से पृथ्वी रे सुख शांति आउ समृद्धि आनी पारिथिले। तांकर प्रजा माने खूब खुशी रे थिले, एणु से माने राजा महाबली को खूब सम्मान करुथिले। तांकर सुख्याति क्रमे क्रमे स्वर्ग मर्त्य आउ पाताल रे प्रचारित होबाकु लागिला। राजा महाबली स्वर्ग राज्य विजय हासिल करिबा परे देवराज इंद्र गादीच्युत हेले। से तांकर सिंहासन फेरी पाइबा पई भगवान विष्णु को प्रार्थना करिबाकु लागिले। भगवान विष्णु आविर्भूत हो कहिले, हे देवराज, तुमर सिंहासन फेरी पाइबा पई तुमको युद्ध करिबाकु हबो। असुर माने तो देवता मानंकर भाई, तेणु तुम्हें सेमानंकर समकक्ष न हबो काहेकि? ए कथा शुणी इंद्र कहिले, महाबली होउचंती खूब शक्तिशाली, तांक सहित युद्ध करी विजय हासिल करिबा मो पक्षरे असंभव। भगवान विष्णु कहिले, ताहले तमे तमर सिंहासन फेरी पाइबा पई तमे महाबली को पाखरे निवेदन कर। ए कथा शुणी इंद्र खूब दुखित हेले आउ कहिले, समस्त देवगण आपणंक बाहुछाई तले रहिछंती, एमिति परिस्थिति रे आपण ही केवल आमर भरोसा, दया करी आमको साहाज्य करंतु। इंद्रंग कथा शुणी भगवान विष्णु टिके हसिले एवं तांको आश्वासना दे कहिले, तुम्हें निकट भविष्य को अपेक्षा कर। एणे महाबली मध्य भगवान विष्णुंकर परम भक्त। दिने राजा बली राज उद्यान रे बसी तांको स्त्री को कहुथिले, मोर पूर्वपुरुष प्रहलाद जे कि स्वयं भगवान विष्णु को धरावतरण करै पारिथिले, आउ मु मध्य संकल्प करिछि दिने ना दिने भगवान विष्णु को मु मो निज आखिरे देखिबि। महाबली कथा शुणी तांको राणी कहिले, हाँ, भक्ति रे भगवान, भगवान विष्णु दिने ना दिने निश्चय आसिबे। दान ध्यान यज्ञ आउ तप बलरे भगवान विष्णु प्रसन्न हुंती, तेणु आमे ताही करिबा उचित। महाराणी कथा शुणी महाबली मनरे आशा संचार हेला। से तुरंत एक महाजज्ञ आयोजन पई घोषणा कले, यज्ञ कार्य आरंभ हेला। एही यज्ञ रे महाबली मन इच्छा दान ध्यान करिबाकु लागिले। प्रजा माने जिए जहा मागिले ताही पाइले, धन रत्न गाई गोरु अन्न वस्त्र प्रभृति जिए जहा मागिला से ताही पाइला। महाबली गुरु शुक्राचार्य एही यज्ञ कार्य को परिचालना करुथांति। यज्ञ शेष रे महाबली प्रजा मानंकु दान ध्यान करिवारे लागिथांति। ठीक एतिकि बेले सेठारे उपस्थित हेले जणे क्षुद्रकाय तपस्वी। से धरिथांती गोटे बरडा छता आउ अन्य हातरे कमंडलु। एही बामन रूपी तपस्वी को देखि राजा महाबली आउ तांक राणी परम आदररे पाछुटि नेले। तांकु आसन ग्रहण करिबा पई अनुरोध करि तांकर पूजा अर्चना करिबाकु लागिले आउ हात जोड़ी विनम्र भावरे कहिले, हे महात्मा, एबे आपणंक आसिबार अभिप्राय प्रकाश करंतु। आपण मते जहा मागिबे मु ताहा पूर्ण करिबा पई आप्राण चेष्टा करिबि। धन रत्न अन्न वस्त्र गाभी भूमि एवं राज्य मध्य आपण जहा इच्छा करिबे मु ताहा प्रदान करिबाकु प्रस्तुत अछि। एबे अतिथि बामन कहिले, हे महाराज बली, तुमे एबे जहा कहुछ मते दबा पई प्रथमे प्रतिज्ञा कर। बामनंक मुखरु एपरि शुणी असुर मानंकर गुरु शुक्राचार्य संगे संगे पाटी करी उठिले, ना महाराज, से भली किछि प्रतिज्ञा करंतु नहीं। ये जने साधारण अतिथि नुहंती, ये निश्चय केही जने छद्मवेशी जहा फळरे तुमे असुविधा रे पड़ी पार। किंतु महाबली कहिले, हे गुरुदेव, दया करी मते एथिरु निवृत्त करंतु नहीं।
ଆଜି ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛି। ଆଉ ବାମନ ଅତିଥିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଏତିକି କହି ସେ ବାମନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ବାମନ କହିଲେ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦରେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ବଳି ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ତିନି ପାଦ ଭୂମି କେଉଁଠାରୁ ନେବେ ମାପି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାପରେ ସେ ଅତିଥି ବାମନ ଆସନରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦ ଉଠାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବାମନ ଅତିଥି ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାହା ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ବାମନଙ୍କର ଏହି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପ ଦେଖି ମହାବଳୀ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଏବେ ବାମନ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ ବଳି, ଏବେ ମୋର ତୃତୀୟ ପାଦର ଭୂମି ମୋତେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ମହାରାଜ ବଳି ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅତିଥି ବାମନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଏଥର ବାମନ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ବଳି, ଏବେ ମୁଁ ମୋର ତୃତୀୟ ପାଦ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ରାଜା ବଳି ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ବିନୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୋର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବା କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ମୋର ମସ୍ତକ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଅତିଥି ବାମନ ତାଙ୍କ ନିଜର ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ମହାରାଜ ବଳିଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଖୁବ୍ କୋମଳ ଭାବରେ ରଖି କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମହାବଳୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାତାଳଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ବଳିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମରି ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାତାଳ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ନବର ବାହାରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ରହିବି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ମହାବଳୀ, ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣକୁ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଲୋକେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ। ମହାବଳୀ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ମହାବଳୀ ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୀପଜାଳି ଆବାହନ କରନ୍ତି। ମହାବଳୀଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଘର ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର କରି ସାଜସଜା କରିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମହାରାଜ ବଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନଟିର ନାଁ ରହିଲା ଦୀପାବଳି। ଏହି ପର୍ବଟି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଆଡ଼େ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।